स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव के अवसर पर विश्वविद्यालय के नाथ चंद्रावत छात्रावास में शुरू हुए युवा सप्ताह का शुक्रवार को समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने युवा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित हुए विभिन्न खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। युवा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य छात्रों के अंदर खेलकूद के साथ साथ रचनात्मक कार्यों के प्रति आकर्षण करना है, जिससे छात्रों के व्यक्तित्व में विकास हो। इस अवसर पर प्रोफेसर अजय शुक्ला, डॉक्टर आशीष शुक्ला, डॉक्टर पंकज सिंह, अतुल आशुतोष उपाध्याय, गौरव त्रिपाठी सहित छात्रावास के अन्य छात्र मौजूद रहे। इस संबंध में गौरवपूर्ण संवाददाता से बात करते हुए प्रोफेसर अजय शुक्ला और एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा, साइकिल से रॉकेट हो गए। आज जैसे हम यहाँ पर चुनाव होते हैं, हमारा चुनाव से होगा रॉकेट, अब वो पे हाँ पे भाई छुपा जाते हैं। आजम खान हमारा दोस्त, अब हमारा बेटा अखिलेश यादव बोलता पहले कौन मुख्यमंत्री, पहले सब को किसी को अपने रॉकेट पर नहीं बचाए। हमारा बहुत इम्पल खास कर नाम बहुत सुंदर है, बताइए आपको चंद्रमा पर सड़क
एलसी हॉस्टल के वार्डन प्रोफेसर अजय शुक्ला जी, आशीष जी, पंकज जी और यहाँ उपस्थित हमारे छोटे भाइयों, जब प्रोफेसर अजय शुक्ला जी से जिनसे मेरे मित्रवत और पारिवारिक संबंध काफ़ी दिनों से हैं और इन्होंने मुझे आने का आमंत्रण दिया तो मैं इनके प्रेम और स्नेह के चलते इसको ठुकरा नहीं पाया और मुझे अच्छा लगा कि मैं हॉस्टल में चलूँगा और काफ़ी दिनों के बाद अपने छात्र जीवन की याद ताज़ा करते हुए आप लोगों से एक संवाद स्थापित होगा। तो आप लोगों की जो यहाँ प्रस्तुति थी वो निस्संदेह मुझे लगा कि जो यहाँ पे युवा सप्ताह का आयोजन 12 तारीख से लेकर आज तक हुआ हो, इसमें जो भी तरह तरह के आयोजन हुए, चाहे खेल के संदर्भ में रहे हों, चाहे कविता पाठ के संदर्भ में रहे हों, काफ़ी इनके संरक्षकत्व में और इनके मार्गदर्शन में, क्योंकि इनकी जो इनका मार्गदर्शन है, इनका जो संरक्षकत्व है काफ़ी प्रेरणादायी, काफ़ी ऊर्जावान होता है और ये एजेंसी हॉस्टल का सौभाग्य है कि आपको इन जैसे ऊर्जावान और इन जैसे पॉजिटिव सोच के मैं इनको उससे कुछ और ज़्यादा जानता हूँ और निश्चित रूप से इस हॉस्टल के आप लोगों के वेलफेयर के बारे में, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई के बारे में और आपके भावी जीवन के बारे में जितना ये चिंतित रहेंगे और जितना जिनसे हो सकेगा वो निश्चित रूप से करते रहेंगे। तो बात आती है राष्ट्रीय युवा सप्ताह की, तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, 12 जनवरी 1863। इसी दिन विवेकानंद का जो बचपन का नाम था आप लोग जानते होंगे, नरेंद्रनाथ दत्त, उसी रूप में पैदा हुए थे और मेडिटेशन योग के बाद विवेकानंद बने। उन्होंने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक 30 साल की उम्र में 1993 में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने हिंदुत्व की और राष्ट्रवाद की जो पताका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराई थी, जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया था, पूरा विश्व भारतीय दर्शन, उनका जो दर्शन था मॉडर्न वेदांत, आधुनिक वेदांत के बारे में जो उन्होंने बोला था, तो भारतीय भारतीयता का जो राष्ट्रवादिता थी और उनका दर्शन, उसका जो परचम लहराया उन्होंने विदेश में और लोग उनके बुद्धिमत्ता का लोहा मान गए थे। तो इसी तरह से मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रोफेसर शुक्ला जी के मार्गदर्शन में, इनके निर्देशन में यहाँ के छात्र, अभी जो तरह तरह का कविता पाठ हो रहा था एनसी हॉस्टल बोलेगा जागेगा, तो जो उनका कोटेशन है, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल रीच द गोल, स्माइल, आज एक समापन समारोह था जो कि 12 जनवरी से 18 जनवरी तक एक कार्यक्रम युवा सप्ताह का होता है जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव से शुरू होता है। नाथ चंद्रावत छात्रावास में इस बार पूरे सप्ताह क्रिएटिव कार्यक्रम होते रहे जिसमें बच्चों को खेल के प्रति और क्रिएटिव राइटिंग के प्रति आकर्षित करने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए गए, जिसमें बैडमिंटन प्रतियोगिता, क्रिकेट प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, स्वरचित कविता, भाषण प्रतियोगिता, कई कार्यक्रम कराए गए और आज इसका समापन समारोह था। इसके मुख्य अतिथि SP City विनय सिंह जी रहे।
है, बच्चों को प्रमाण पत्र दिया गया और जो विनर थे उनको मेडल भी दिया गया। इस तरीके के आयोजन के पीछे का लक्ष्य यही है कि बच्चों को रचनात्मक कार्यों के प्रति आकर्षित करना, जिससे उनकी उनका व्यक्तित्व विकास हो सके। लगातार आगे आने वाले समय में भी इसी तरीके कार्यक्रम नाथ चंद्रावत हॉस्टल में होते रहेंगे। एनसी हॉस्टल में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के दौरान भिन्न भिन्न कार्यक्रम वार्डन सर के निर्देशन में, मार्गदर्शन में यहाँ के अंतेवासी छात्रों ने किया था। आज सप्ताह का समापन का दिन है, यहाँ मुझे आने का मौका मिला और मैंने यहाँ के अंतेवासियों से संवाद स्थापित किया, तो मुझे लगा कि छात्रों के बीच में काफ़ी प्रतिभा, काफ़ी ऊर्जा है और इनको सही दिशा में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया, मार्गदर्शित किया गया और काफ़ी यहाँ पे जो समय बीता काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी आनंददायक रहा।